नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक प्रीमियर लीग के 15वें मैच में कृष्णप्पा गौतम के शानदार प्रदर्शन के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 200 प्लस वीडियोस बना चुका हूं और सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज 23 अगस्त को शिवमोगा लॉयंस और बेल्लारी टस्कर्स के बीच कर्नाटक प्रीमियर लीग का 15वां मैच खेला गया और इस मैच में बेल्लारी टस्कर्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग को ऑप्ट किया। बेल्लारी टस्कर्स की तरफ से ओपन करने आए अभिषेक रेड्डी और गौतम, इन दोनों ने ठीक पारी खेली। अभिषेक ने 34 रन बनाए और गौतम ने 13 रन बनाए, लेकिन कृष्णप्पा गौतम ने काफ़ी ज़बरदस्त पारी खेली। इन्होंने 13 छक्के और 7 चौके लगाए, यानी कि शतक तो इन्होंने छक्के और चौकों से ही लगा दिया था। उसी के साथ इन्होंने 239.29 की स्ट्राइक रेट से 56 बॉल में 134 रन बनाए, जो कि काफ़ी शानदार स्कोर है। और इनके इसी स्कोर की बदौलत बेल्लारी टस्कर्स केवल 17 ओवर्स में ही 203 रनों तक पहुंच पाई, क्योंकि बारिश हो गई थी और इस वजह से मैच को रिड्यूस कर दिया गया था और 17 ओवर तक ही मैच खेला गया। वहीं सामने वाली टीम की बॉलिंग की बात करें तो मिथुन ने एक विकेट लिया, एचएस शरद ने एक विकेट लिया और एसपी मंजुनाथ ने एक विकेट लिया। खैर, इस स्कोर को देखते हुए तो बेल्लारी टस्कर्स का जीतना बिल्कुल जायज सा लग रहा है और मैन ऑफ द मैच भी कृष्णप्पा गौतम ही लग रहे हैं। तो इनके इस टैलेंट को इंडिया टीम में काफ़ी सराहा जाएगा। आईपीएल में भी ये इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार के आईपीएल में भी और अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसी आशा हम करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनकी पारी कैसी लगी। इसी के साथ चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।